कर आप सभी का स्वागत है। ये राजकीय महाविद्यालय श्री किरणपुर का यूट्यूब चैनल है। इसमें हम आज जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम, जैसा कि नाम से जाना जाता है, जो जेट है, जो हवाई जहाज है, जिस स्पीड से हवाई जहाज उड़ता है उसी स्पीड से जब ये हवाएं ऊपरी शोभ मंडल में चलती है तो इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिकी हवाई जहाज पूर्व से पश्चिम की ओर, जब जापान की तरफ बम वर्षक जो यान थे वो बम गिराने के लिए जाया करते थे, तो उन्हें ऊपरी वायुमंडल में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। और जब वो वापस पश्चिम से पूर्व की ओर लौटा करते थे तो उनकी स्पीड में वृद्धि हो जाती थी। इसी आधार पर ऊपरी वायुमंडल में ये जो हवाएं चलती हैं इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाने लगा। इनकी जो लंबाई है वो हजारों किलोमीटर तक होती है और इनकी चौड़ाई भी हजारों किलोमीटर तक होती है। ये दोनों गोलार्धों में, मुख्यतः ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास ऊपरी वायुमंडल में वायुदाब की विभिन्नता के कारण शुरू होती है और लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जेट स्ट्रीम के कई प्रकार हैं, जैसे ध्रुवीय वाताग्रह जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधी जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। जो हम पढ़ रहे हैं ध्रुवीय वाताग्रह जेट स्ट्रीम, ये लगभग ध्रुवीय शीत वायु राशियां और उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के मिलने के वाले क्षेत्रों में लगभग 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनकी उत्पत्ति होती है। और दो विपरीत वायु राशि के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन ये नियमित न होकर के अनियमित होती है। फिर है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। इसकी स्थिति उपोष्ण कटिबंध में उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर में, यानी जो हेडली वायुदाब की पेटी है उसके उत्तर में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इसका निर्माण होता है। फिर जो उष्ण कटिबंधी जेट स्ट्रीम है, इसका ये पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपरी शोभ मंडल में भारत और अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के गर्म होने से भी है। फिर है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, जो कि समताप मंडलीय उप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर शोभ मंडल के ऊपर, यानी समताप मंडल में शीत ध्रुव के ऊपर शुरू होता है और इसका निर्माण होने का कारण है तापीय प्रवणता। जिस समय प्रबल ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है भारत में, ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है, शीतकाल में इसका वेग अधिक रहता है। भारत के अंदर ये जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से शीतकाल में जो बारिश होती है, जैसे अब शीतकाल चल रही है और इस शीतकाल में जब बारिश होती है तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं अपने साथ पश्चिमी विक्षोभों को साथ लेकर के आती है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी करती है और जो मैदानी भाग है वहाँ ये वर्षा करती है। इस समय उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः गेहूँ और सरसों की फसल है, उसकी पैदावार होती है।
तो ये वर्षा जो होती है इन फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो अभी हमने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा कि जेट स्ट्रीम ऊपरी शोभ मंडल में चलने वाली हवाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और ऐसे ही इनकी मोटाई भी खूब होती है और ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब की विभिन्नता के कारण होती है और ये हवाएं भारत में लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रवेश कर जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऊपरी वायुमंडल में चलती है, न कि निचले वायुमंडल में। नीचे हम धरातल के पास या 4-5 किलोमीटर के आसपास तक इनको अनुभव नहीं कर सकते, हमेशा ऊपरी वायुमंडल में ही चलती है। इनके कई प्रकार भी हैं, जैसे ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधी जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।